दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमिट जॉब पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ्को प्राइवेट लिमिटेड में AGT जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी में जिसने भी BSc किया है एग्रीकल्चर से वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो हम लोग इस वैकेंसी का ओवरऑल डिटेल के लिए हमारा वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हम लोग पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इफ्को की जॉब वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस तरह है। इंडियन फार्मर फर्टिलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इफ्को बोलते हैं, यहाँ से वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे वैकेंसी है AGT, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है AGT पोस्ट के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए बहुत सी पोस्टें निकली हुई है। पोस्ट का यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जिस किसी ने भी 4 ईयर का BSc एग्रीकल्चर का कोर्स कर रखा है या जिनके पास में भी BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का भी अभी 4th ईयर का रिजल्ट वेटेड है और रिजल्ट जो है वो मई 2022 तक आने की संभावना है, तो वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स रखे गए हैं। ST SC कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स रहेंगे BSc एग्रीकल्चर में। कभी स्कोर कार्ड CGPA पैटर्न में आता है तो उसे अपना रिजल्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा फॉर्म फिलअप के टाइम पे। जिन भी कैंडिडेटों का BSc एग्रीकल्चर 2019 के बाद का है या 2019 का है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी के अंडर में आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए। 30 ईयर से आपकी एज लिमिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी 1 फरवरी 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ST SC कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं OBC कैंडिडेट जो कि नॉन क्रिमी लेयर से है उन्हें 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। हम करते हैं वहाँ के आपको प्रॉपर एरिया की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, साथ में हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया गया है, और साथ में अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस 2 या 2 से 11 लैंग्वेजेस आती है तो उसको आपका एक एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का टाइम पीरियड 1 ईयर का दिया गया है। आपके ट्रेनिंग के टाइम पीरियड के दौरान आपको कंपनसेशन राशि 33,300 रुपये जो 33,300 रुपीज़ पर मंथ रहेगी। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में आपको 37,000 से लेके 70,000 के बीच में आपकी जॉब अपॉइंटमेंट रहेगी, जो कि आपकी पे स्केल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 3 ईयर का मिनिमम सर्विस बॉन्ड रखा गया है, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए 80,000 बाउंड रहेगा, ST SC कैटेगरी के लिए 20,000 का बाउंड रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होने वाली है, इंटरव्यू होगा और उसके बाद में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे आफ्टर इंटरव्यू उन सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका नेचर ऑफ जॉब फील्ड वर्कर रहेगा, आपको फील्ड वर्कर की जॉब रहेगी। हाउ टू बी अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? अप्लाई आपको 15 अप्रैल 2022 से पहले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल लिंक दी गई है जो कि कुछ इस तरह है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एक पोर्टल ओपन होगा। आपको कुछ इस तरह ऑफिशियल पोर्टल आपको ओपन हो जाएगा, जिसपे आपको यहाँ पे टोटल आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन और जो नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कैंडिडेट है और आपको रजिस्टर्ड करना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे साइनअप के लिए आपको यहाँ पे आपकी email ID आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा, आपका फुल नेम लिखना होगा जो कि आपके 10th की मार्कशीट पे है, आपका मोबाइल नंबर लिख के आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी और आप इस तरह आपका पूरा फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक और भी आते रहें।